Please subscribe my channel and click on bell button. If you like my video, then click on like button and share my video. हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन पर जो काइन मास्टर होता है उसमें जो वाटरमार्क आता है वो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक काइन मास्टर है, एक क्रॉप वीडियो। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, इन्हें आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए काइन मास्टर। ये देखिए मैंने काइन मास्टर सर्च किया और ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा है क्रॉप वीडियो, जहाँ पर सर्च करना क्रॉप वीडियो। जी देखिए मैंने क्रॉप वीडियो सर्च किया और इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं ये लोगो है इसका, आप भी इसे डाउनलोड कर लेना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे, आगे का प्रोसेस है जो कैसे करेंगे फ्रेंड। उसके लिए आपको काइन मास्टर ओपन करना होगा। ये देखिए मैंने काइन मास्टर ओपन किया हुआ है और आप जिस वीडियो को मतलब कि एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को जहाँ पर देखिए इंपोर्ट कर लीजिए। मैं कोई भी वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक वीडियो चूज़ कर ली है। आगे का प्रोसेस मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ, ऐसे आपको पूरी समझ नहीं आएगी। चलो अब मैं दिखाता हूँ। जो देखिए मैंने जो वीडियो है उस पर टैप किया है, सेलेक्ट किया और क्रॉप की ऑप्शन आ रही है उस पर क्लिक किया और जो स्टार्ट पोजीशन है उस पर क्लिक किया और दोनों फिंगर से मैंने पिंच करके उसको वीडियो को लोगो से नीचे लेकर आया हूँ। अब एंड पोजीशन पर क्लिक करके उससे भी मैं वहाँ लेकर आऊँ जहाँ स्टार्ट पोजीशन थी। दोनों को मैंने देख लेना है एक बार कि सही पोजीशन पर है और जो टिक पर क्लिक कर दूँगा। टिक पर क्लिक करने के बाद मैं चेक कर लिया और सेव कर लूँगा इस वीडियो को। आप आगे आपको पता ही है सेव कैसे करना है और इसे वीडियो को सेव कर लीजिए। सेव होने के बाद इसे आप जब ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा तो और इसे आप अपने मोबाइल की जो गैलरी होती है उसमें सेव कर लेना। जी मैंने कॉर्नर पर क्लिक किया और सेव वीडियो कर ली। देखिए सेव वीडियो आ रहा है, वहाँ पर क्लिक किया और वीडियो सेव हो चुकी है। अब मैं अपना दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा क्रॉप वीडियो। उस पर वीडियो सेलेक्ट की मैंने ये वाली जो मैंने काइन मास्टर सेव की थी और सेलेक्ट पर क्लिक किया। इसके बाद क्रॉप वीडियो की ऑप्शन आ रही है नीचे, उस पर क्लिक किया और जो लोगो है उसके नीचे से मैंने क्रॉप कर दिया है। जो वीडियो है उसके चारों ओर मैंने जो जितनी जितनी वीडियो मुझे चाहिए उतनी मैंने क्रॉप कर ली। जो लोगो है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, जो ब्लैक आ रहा वो भी रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने जितनी वीडियो मुझे चाहिए उतनी मैंने क्रॉप कर लिया और लोगो भी रिमूव हो चुका है। अब जो वीडियो सेव हो रही है, सेव होने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा और आप इसे जब सेव हो जाए तो आपको मैं दिखाऊँगा कि बिल्कुल भी लोगो नहीं शो होगा। जी आप देख सकते हैं कि वीडियो सेव हो चुकी है। आप कॉर्नर पर क्लिक करें जो कॉर्नर पर साइन आ रहा है, उसके बाद आप गैलरी पर क्लिक करें। सिंपली आप वहां पर क्लिक करने के बाद आप गैलरी पर क्लिक करें और ये ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। जी देखिए वीडियो सेव हो चुकी है और कोई भी लोगो नहीं शो होगा, कोई वाटरमार्क नहीं शो होगा। ऐसे आप इन दोनों सॉफ्टवेयर से वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं काइन मास्टर का।